हेलो गाइस, दिस इज़ प्रियोम घोष। टुडे मैं आप लोगों के सामने एक नया टीपी लिंक का जो राउटर है LTLW N881ND, मैं आपके सामने आज अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये मैंने परचेस की है फ्लिपकार्ट से, जिसका प्राइस है मेरे को पड़ा 999 रुपये। तो इसको साइड में रखते हैं, अब इसको अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने ये अनबॉक्सिंग करूंगा एंड उसके बाद मैं इसको मेरा जो डेस्कटॉप है उसका सीपीयू में मैं इंस्टॉल करने करूंगा। बॉक्स को खोलते हैं, में क्या दिया। पहले तो ये बॉक्स में कुछ नहीं है, इसको हम रखते हैं साइड। उसके बाद ये मेन बॉक्स है, कंटेंट टीपी लिंक का एक पेपर वर्क्स है, एक डीवीडी है टीपी लिंक की तरफ से, ये आईएसओ शील्ड है, एक राउटर का एंटेना है, ये मुझको यही लगता है राउटर का एंटेना। हाँ, ये राउटर का ही एंटेना है। ये मेन सेट है जिसको हम हमारे जो डेस्कटॉप के सीपीयू है उसमें हम ये इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और इस बॉक्स में और कुछ नहीं है। चलो अब आपको मैं ये इंस्टॉल करने दिखा रहा हूँ। चलिए शुरू कर। आप पहले इसको लेंगे, इसको आसानी से हम इसका जो पिन है उसको खोलना पड़ेगा पहले स्क्रू ड्राइवर से। पहले तो आप स्क्रू ड्राइवर ले लें। उसके बाद जो आई एस एस का सील है उसको आप ओपन कीजिए। जब ये ओपन हो जाएगा, आप मेरे ग्राफिक्स कार्ड को देख रहे हैं, ये ग्राफिक्स कार्ड मैंने इंस्टॉल किया खुद। अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। इसका जो दो प्लग है उस प्लग को आपको एम बायोस के नीचे पे एक प्लग मिलेगा उसमें कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। आसानी से हो गया, मैंने ये इंस्टॉल कर दी और कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो आपके पास जो पिन है उस पिन को आप ठेस दीजिए। ये पिन मैं बाद में भेज दूंगा, तो पहले आपको पहला जो पिन है उस पिन को आपको आसानी से हो गया। ये हो गया। सॉरी, मेरे ग्राफिक्स कार्ड को के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। उसको मैं लगा दूंगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर।